जो मैं शेयर बताने जा रहा हूँ ये हजार को लाख बनाने वाली कंपनियाँ हैं। आज मैं 21 शेयर देखूँगा जो माइक्रो कैप रेंज की है, और हमें कम पैसे लगा के मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए, बड़े पैसे चाहिए तो हमें माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। माइक्रो कैप स्टॉक पर हमें दाव लगाना ही पड़ेगा, और माइक्रो कैप पर हम दाव लगाते हैं तो माइक्रो कैप में हमें हाई रिटर्न है तो रिस्क भी हाई ही है। रिटर्न हाई, जहाँ भी हाई रिटर्न मिलेगा वहाँ पर रिस्क हाई ही रहेगा, इसीलिए हमें ऐसे शेयर में पैसे लगाना चाहिए जहाँ पे हमें थोड़ा सा बैलेंस मिले और चांसेस हो कि हमें रिटर्न अच्छे मिल जाए। अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इतिहास को जब आप उठा के देखेंगे तो बड़ी कंपनी कभी भी मल्टी बैगर रिटर्न नहीं दी है। यदि किसी कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न दी है तो वो माइक्रो कैप ही दी है। इसका देख सकते हो 2002 में ये 5-6 रुपया का शेयर था जो आज 7000 को क्रॉस कर चुका है। तो ये मल्टी बैगर रिटर्न दी है जो 1,23,000% का रिटर्न दे चुकी है, मतलब 100 रुपये को 1,23,000 से ज़्यादा ये बना दी है। दूसरी आप देखेंगे उदाहरण 1999 में ये 1 रुपया में लगभग 8-10 शेयर मिलने वाला आज 92 रुपया के आसपास है, और ये देख सकते हैं 115% का रिटर्न दिया, मतलब 100 रुपये को 1,15,000 से भी ज़्यादा बना दिया है ये कंपनी। तो इसी तरीके की हम कंपनी देखेंगे आज फटाफट बिना देर किए। आइए हम देखते हैं, हमारी पहली कंपनी है डायनाकॉम सिस्टम सॉल्यूशन लिमिटेड। ये आईटी की कंपनी है, ज़बरदस्त रिटर्न दे रही है। एक साल का रिटर्न देखें, 5 साल का रिटर्न देखें, लगातार पैसे बनाए जा रही है, बड़ी रिटर्न दिए जा रही है। एटम्स वाल्व दूसरी कंपनी है, एटम वाल्व लिमिटेड जो कि वाल्व बनाती है, और इसके बड़े क्लाइंट्स हैं, बड़ी जो कंपनियां हैं वो बना रही है। लगातार नीचे गिर रही थी, उसके बाद अब जंप देखने को मिला है, और इसका एक साल का रिटर्न देखेंगे तो 18% का रिटर्न दिया, ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है। और अभी कुछ दिन पहले देखते तो आपको ये नेगेटिव में मिलता, लेकिन 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 832% जो कि ज़बरदस्त रिटर्न है, और मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो 832 ही है। दूसरी हमारी कंपनी है विशाल बेयरिंग बनाने वाली कंपनी, बेयरिंग पार्ट्स बनाने वाली कंपनी। एक साल में 162%, 5 साल में 520%, और मैक्सिमम देखेंगे तो 1,298% का बड़ी रिटर्न दी है। उसके बाद है बेयरिंग बनाने वाले ही जो मल्टी बैगर रिटर्न दे चुकी है अभी तक में, जिसका नाम है गैलेक्सी बेयरिंग। 6 महीने में 18%, 1 साल में 30%, और 5 साल में 1,100% से ज़्यादा का रिटर्न, और मैक्सिमम देखेंगे तो 39,000% के रिटर्न दे चुकी है। अभी भी इसका मार्केट कैप 500 करोड़ से नीचे है, मतलब जिस दिन ये 1,000 करोड़ की कंपनी होगी और ये 1,500 करोड़ को क्रॉस करेगा, उस दिन जो किसी भी इन्वेस्टर जो स्टार्टिंग से इन्वेस्ट किया हुआ उसको 1,00,000% से ज़्यादा का रिटर्न मिल जाएगा। दूसरी हमारी एरोन इंडस्ट्री, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी रिटर्न दे रही है, लगातार भागे जा रही है, अगर आप देख सकते हो। नेक्स्ट कंपनी हमारी है आरती सर्फेक्टेंट केमिकल की कंपनी, बहुत अच्छी रिटर्न अभी तक मैं नहीं दी है, लेकिन इसके हम भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि 2020 में ही आई है, और आरती इंडस्ट्रीज़ की ये कंपनी है। दूसरी हमारी है सीस इंडस्ट्रीज, एक साल में 120% का रिटर्न, 5 साल में 1,700-1,800% का रिटर्न, मैक्सिमम देखेंगे तो 2,200% का रिटर्न, पैसे बना के दे दी है, मार्केट कैप 350 करोड़ के आसपास। प्लाजा वायर्स अभी न्यूली लिस्टेड है, 32% का रिटर्न दे चुकी है अभी तक में, 106 लेवल अच्छा है। धर्मराज कॉर्प गार्ड 6 महीने में 56% का रिटर्न, 1 साल में देखेंगे तो कुछ भी रिटर्न नहीं है, अपने जो आईपीओ प्राइस है उससे भी नीचे ट्रेड कर रही है, लेकिन जिसने नीचे लेवल पे बाय किया होगा, यहाँ पे बाय किया होगा, उसको अभी भी 88% का रिटर्न मिल रहा होगा, मार्केट कैप 1,000 करोड़ से नीचे। फोकस लाइटिंग एंड फिक्सचर्स इस साल में 191% का रिटर्न दे चुकी है, और 1 साल में 200% से ज़्यादा, 5 साल में 984%, और मैक्सिमम देखेंगे तो 984% ही दी है क्योंकि ये 2021 में ही आई है। उसके बाद प्रकाश पाइप लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी, मार्केट कैप 981-410, 1 साल में 151% रिटर्न, 5 साल में 335, और मैक्सिमम भी 335 ही है। केबल्स बनाने वाली डायनामिक्स केबल, 30 साल का एक्सपीरियंस वाली की कंपनी, माइक्रो कैप पे मिल रही है, 883 इसका मार्केट कैप है, 1 साल में 144% और मैक्सिमम 168% रिटर्न। वायर बनाने वाली ही दूसरी कंपनी
अभी तक मैं 67% इस साल में, एक साल में 73% और 5 साल में 800 के आसपास परसेंट दे चुकी है, और मैक्सिमम देखेंगे तो ये 881% की। सोलर सेक्टर के लिए काम करने वाली जोडियक एनर्जी छोटी कंपनी 200 मार्केट कैप, 5 साल का रिटर्न 288%, 5 साल हुआ नहीं है। खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स बनाने वाली केमिकल कंपनी, इस साल में कुछ भी रिटर्न नहीं मिला, एक साल में भी निगेटिव है, और मैक्सिमम देखेंगे तो इसका 177% का रिटर्न दे चुकी है, 2022 में आई है कंपनी। ऑटो कंपनी से बनाने वाली यूनिवर्सल ऑटो फैक्ट्री, ऑटो फाउंड्री, एक साल में 132%, 5 साल में 400% का, मैक्सिमम देखेंगे 16-81% का जबरदस्त रिटर्न। मार्केट कैप अभी भी 300 करोड़ से नीचे है। कैमक्रैक्स इंटरप्राइज केमिकल सेक्टर की कंपनी, 5 साल में 1147%, मैक्सिमम देखेंगे तो 2200% का रिटर्न, एक साल में निगेटिव प्रेशर होने की वजह से निगेटिव में। तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन, एरोस्पेस और एविएशन की कंपनी, 6 महीने में 87%, इस साल में अभी तक 133%, एक साल में 122%, 5 साल में 772%, और मैक्सिमम 2000% के आसपास, और इसका मार्केट कैप अभी भी 650 करोड़। नेक्स्ट हमारी जेनेक्स एम को नैनो कैप कंपनी, हाईली रिस्केड रिस्क, जितना आप पार्टी में कॉफ़ी पे किसी दोस्तों के साथ दान या किसी को दान कर देते हैं उतना ही लगाएं, क्योंकि ये जाएगी तो डूब लेके डूब जाएगी, और लेकिन जिस दिन इसका 100 करोड़ का माइक्रो इसका मार्केट कैप होगा उस दिन आपके पैसे 4 गुने हो जाएंगे। टालब्रोज इंजीनियरिंग ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली जबरदस्त कंपनी, अभी तक में 35%, एक साल में 42-47% का रिटर्न, और 5 साल का रिटर्न 250%, और मैक्सिमम रिटर्न 2600% का रिटर्न दे चुकी है। आईटी की जबरदस्त कंपनी जो अभी जस्ट 1000 करोड़ को पार की है, और एक साल में 142% का रिटर्न, और मैक्सिमम देखेंगे 153% रिटर्न दिया है। आने वाले समय, आने वाले फ्यूचर की ये इंफोसिस और विप्रो जैसी कंपनी अपनी साबित कर सकती अभी तक जो इसके रिजल्ट आए हैं उस हिसाब से। बाकी अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। हमारा चैनल है गेट रिच आइडिया, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।